गुरुदेव कृपा करके चले गए। अब उठ करके रोना शुरू किए हैं, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, कहाँ है गुरुदेव। तो रघुबर दर बाबा दो चार शिष्य लेकर के कहाँ गया, कहाँ गया, चलो हमारे यहाँ तो रह रहा है गोसाई जी, चलो उनको ढूंढ के लाए, जाके देखते हैं वो अचेत होके पड़े हैं पहाड़ के ऊपर, उनको उठा के लाए, ला करके उनको परिचर्या किए, वो तो अचेत होकर पड़े हैं। फिर जाके एक गुफा के अंदर उनको शयन कराए, वहीं पर उनको कभी कभी सचेत करा करके थोड़ा सा मुँह में देते थे, कुछ आहार्य वस्तु कुछ देते थे। 11 दिन तक इस तरह से मान लो अचेत अवस्था में रहे, फिर उसके बाद चेतन हुआ। चेतन होने का बाद आप रोना शुरू कर दिया, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, गुरुदेव कहाँ, हमको कृपा करके चले गए, हम तो उनका सान्निध्य थोड़ा से भी प्राप्त करने का सौभाग्य हमको हुई नहीं। अचेत क्यों हो गए? वो इतना पावर शक्ति उसके ऊपर, उनके अंदर जो व्याकुलता सब मिला करके उनका जो बाहरी स्थिति है वो नाजुक हो गया, धारण करने में असमर्थ हो गए। ऐसे वो शक्ति बहुत दिव्य शक्ति है ना, उसके ऊपर इतना दिन की इंतज़ार, हृदय की तीव्र व्याकुलता दोनों मिला करके उनको शरीर ऐसे विवश हो गया, इस तरह सचेत होके रहे। फिर निकल गए पहाड़ में, जंगल में, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, गुरु बिना भव सिंधु तरह न कोई, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, गुरुदेव रोना शुरू किया है। पहाड़ जंगल में मिलते ही नहीं कहीं, कई दिन हो गया ऐसे बीत गया पहाड़ जंगल में, पागल जैसे उन्मत्त प्राय। अरे हमने तो कुछ पूछा भी नहीं, हमको कुछ उपदेश भी नहीं किए हैं, अब हमको क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग अवलंबन करके, किस साधन पद्धति अवलंबन के द्वारा हम परम तत्व को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, ये तो हमको कुछ उपदेश तो हमको मिला नहीं। गुरुदेव भी चले गए, कहाँ से आए, कैसे आए, उनके परिचय क्या है, हमको कुछ पता नहीं, कितना दुर्भाग्य है। हमको तो कृपा तो किए हैं लेकिन देखो गुरु सान्निध्य से वंचित होकर के हम कितना दुखी हो रहे हैं। गुरु सान्निध्य प्राप्त करना, गुरु सान्निध्य में रहना, गुरु सेवा करना, ये भजन का विशेष अंग है। जो साधक जीवन में गुरु सेवा नहीं किए हैं, कम से कम गुरु प्रसन्नता के लिए कोशिश नहीं करते, स्वतंत्र हो जाते हैं, वो साधक आगे चलना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। कम से कम दूर रह करके गुरु चाहते हैं तो ठीक है दूरी रहो, लेकिन उनके आदेश निर्देश अनुसार उनको प्रसन्न करो। देखो वो प्रसन्न है ना तो ठीक है, ऐसा नहीं मनमुखी तुम चाहते हो कुछ, गुरु चाहते हैं कुछ, गुरु का इच्छा से हमारा कोई मतलब नहीं, हम अपनी इच्छा ही सर्वोपरि मान करके उस इच्छा अनुसार हम चलने का कोशिश करते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये मार्ग ही ऐसा है, उपदेष्टा गुरु हैं, वो तुमको उपदेश करेंगे हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उपदीक्षन्ति ते गणं गणिनः तत्त्वदर्शिनः। तो इतना में अब मन इतना खिन्न हो गया, हम कृपा तो प्राप्त किया है देखो, लेकिन हम गुरु सान्निध्य से वंचित रह गए, कुछ साधन विषय में हम कुछ जिज्ञासा करने का भी मौका हमको मिला नहीं, तो ये जीवन धारण करके क्या होगा, इसको हम समाप्त कर देंगे, हम पर्वत के शिखर के ऊपर में चढ़ करके इसको भृगुपात करके हम शरीर समाप्त कर देंगे, ऐसा चिंता करके एक पर्वत की चोटी के ऊपर उठ गए, अब कूदेंगे। देखो कैसे हैं, तुरंत कूदने जाएंगे पीछे से हाथ पकड़ लिया एक जन, अरे वो देखते हैं गुरुदेव, अरे पागल तो क्या करने जा रहा है, गुरु तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, ऐसा थोड़ी है कि हम तेरे पास आए नहीं, ऐसा भ्रम मत कर, गुरु हर समय तेरे पास ही रहते हैं, तो मैं तो तेरे साथ रहना संभव नहीं है। तो कहते हैं गुरुदेव आपने हमको कृपा किए हैं, अब हम चाहते हैं आपके सान्निध्य हम छोड़ेंगे नहीं, आपके चरण सान्निध्य में रहकर
आपकी सेवा में रहेंगे, आप कृपा करके हमको ये आदेश कीजिए, हम आपके साथ चलेंगे, हमको यहाँ अकेला हमको रहना बड़ा मुश्किल है। तो बोलते हैं ऐसा होगा नहीं, हमारी इच्छा ही तुम्हारा भजन है। तुम्हारे भजन क्या है? गुरु की इच्छा। गुरु क्या चाहते हैं? गुरु के पास रहने से भी गुरु सेवा होती नहीं, गुरु का चरण दबाने से गुरु सेवा होती नहीं। हम लोग गलत समझते हैं, जो गुरु के पास रहो, उनके चरण दबाओ, उनको अधरामित लो, इसमें ही गुरु भक्ति। अरे ऐसा नहीं, प्रसन्न करो, प्रसन्न करो। कैसे प्रसन्न होते हैं? एक दिन हमारे गुरुजी गिरिराज तराटी में जंगल में रहते थे, हम रहते थे सेवक अकेला, हम और गुरुजी, जंगल था। तो संध्या के समय कोई बंगाल से कोई भक्त आया, सुना है जंगल में है, तो ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए संध्या के समय है सायंकाल। गुरुदेव अपना ध्यान निविष्ट होकर के कुछ चिंतन में तल्लीन है। बाबा 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 करके जाकर के उनका चरण दबाना, और बाबा गुरुजी इतना जम के चिल्ला उठे, भयंकर चिल्ला उठे, माने इतना क्रोधित हो गए, इतना विचलित हो गए थे कुछ, और स्थिति में और स्थिति भंग हो गया। हम तो गुरु कृपा चाहते हैं, बाबा 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 हमको कृपा करेंगे, पाम दबाओ उनको, बाबा हमको कृपा करो, अभी कृपा करो। कृपा क्या? नहीं, हमारे बेटा बेटी सब सुख संपन्न रहे, हमारा कोई दुख ना हो, अंधाधुंध पैसा आ जाए, सुख समृद्धि रहे, और हमको हरे कृष्ण खूब हम भजन करेंगे। ऐसा थोड़ी होता है। कृपा तो व्हिप होता है, चाबक, जिसके प्रति कृपा करते हैं गुरु या गोविंद, उसको व्हिप पड़ता है, चाबक। मतलब व्हिप क्यों? नो, व्हिप नहीं खाने से जीव सचेत नहीं होता है, फिर जाके वो सचेत हो जाता है, अरे हमसे ये भूल हो गया, ये भूल हो गया, ये भूल हो गया। गुरु भीतर में जो हमारे संसार के प्रति आसक्ति के मूल, वो जड़ को समाप्त करते हैं, और वो जड़ को नष्ट करने के लिए ही गुरु इस तरह से कभी कभी कठोर रूप धारण करते हैं, क्योंकि वो परमार्थ से संबंध, गुरु से लौकिक संबंध है नहीं, देहदेह विषयक संबंध है नहीं, गुरु से है आत्मिक संबंध। हमारा आत्मा को वो पहुंचा देंगे ठिकाने पर, परतत्व में हमको पहुंचा देंगे। गुरु ऐसे थोड़ी है। तो गुरु की प्रसन्नता चाहिए, गुरु के पास जाकर के उनसे प्रश्न करो, हम कैसे आचरण करने से आप प्रसन्न होते हैं, तो गुरु जैसे कहे ऐसा करो, गुरु को प्रसन्न करो। तो कहते हैं बेटा हम तुम्हारे साथ हम तो रह नहीं सकते हैं, और तुम जिस काम के लिए आए हो वो काम तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए बहुत काम है, तुम आचार्य वंशज हो, लोक कल्याण के लिए तुम आए हो, अपना आनंद सुख समृद्धि ये देखने से काम नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए बहुत सारे काम है करना पड़ेगा। और हाँ, तुम जब भी पुकारोगे बकुलित होकर के हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। बोले बाबा आप तो कहाँ रहते हैं, हम कहाँ आपको पुकारेंगे? बोले बेटा ऐसा नहीं, तुम जहाँ पुकारोगे वहीं हम प्रकट हो जाएंगे। बोले ये कैसे होता है? बोले हाँ होता है, ये साधना के द्वारा ऐसे सूक्ष्म शरीर में विचरण करना, ये साधु के लिए, तत्वदृष्टा साधुओं के लिए ऐसे कोई असंभव बात नहीं है। पंचभूत पंचभूत में मिला देते हैं, मिला करके चेतन सत्ता वो कहीं भी जा सकते हैं, जा करके यहाँ पंचभूत आश्रय करके फिर जाके शरीर को धारण करने में समर्थ होते हैं, वो सब जानते हैं, ऐसी शक्ति उनमें आ जाती है। चलो तुमको हम दिखाएंगे अष्ट सिद्धि। ये जो अष्ट सिद्धियाँ हैं, कोई कोई कल्पना समझते हैं, ऐसा नहीं है। साधक जब साधन करना शुरू करते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि ये तो साधक के पीछे पीछे डोलता रहता है, साधक के पीछे पीछे चलता है। अनिमा लोगिमा गोरिमा प्राप्ति प्राकम्य वसित ईश्चित यत्र काम वसायित्व, ये अष्ट सिद्धियाँ हैं। अनिमा अनुपरिमाण हो सकते हैं एकदम शरीर,
अचानक अनुपरिमाण लघिमा हल्का वायु जैसा हल्का हो सकते हैं, गरिमा पर्वत जैसे बड़ा हो सकते हैं, प्राप्ति जो मन चाहे वही प्राप्त कर सकते हैं, प्राकाम्य जो भी कामना इच्छा मन में है वो पूर्ण कर सकते हैं, वशित्व वशीकरण करने की क्षमता, वो चाहे तो आपके ऊपर ये शक्ति प्रयोग कर सकते हैं, आप चुपचाप वहाँ बैठाना, अगर चाहे कि ये बैठे रहें तो बैठे रहना पड़ेगा, वशीकरण क्षमता, इप्सित जहाँ इच्छा गमन कर सकता है, जत्र काम वशायित्व मृतक शरीर में प्रवेश, परकाया प्रवेश, कोई शरीर पड़ा है मृत शरीर उसमें प्रवेश कर सकता है, जिंदा हो जाएगा, ये इसको कहते हैं परकाया प्रवेश। तो बोलता है बेटा तुम देखो, मैं तुमको दिखाता हूँ अष्ट शाति, अष्ट शाति कहते हैं अष्ट सिद्धियाँ, एक एक करके दिखा रहे हैं, देखो ये देखो निमा, ये देखो गरिमा, ये देखो लघिमा, प्राप्ति, इस तरह से एक मृतक शरीर था दिखा रहा है, जो दिखा रहे हैं ये देखो ये है मृतक शरीर, मैं प्रवेश करता हूँ उस काया में, परकाया प्रवेश करके सब दिखा दिया। बोलते ये तुमको भी मिल सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, अष्ट सिद्धियाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, जो प्रेम प्राप्ति ही जीवन के उद्देश्य है वो ये अष्ट सिद्धियाँ में ये कभी कभी प्रलुब्ध नहीं होते हैं, आदर नहीं करते हैं। बोलता है बेटा ये तो बहुत तुच्छ वस्तु है ना, तुमको ये तो तुम्हारे लिए सहजलभ्य हो जाएगा, तुम अभी साधन करो, साधन करने के बाद तुम घर चले जाओ, लेकिन घर जाने का पहले तुम संन्यास ले लेना, काशी में हरिहर बाबा है, हरिहर सरस्वती नाम के एक सिद्ध महापुरुष है संन्यासी, उनसे जा करके तुम प्रार्थना करना संन्यास के लिए, समस्त स्थिति को निवेदन करना, फिर वो तुमको संन्यास मंत्र प्रदान करेंगे, संन्यास लेकर के फिर तुम घर में ही रहना कुछ दिन, और ब्रह्म धर्म का जैसे प्रचार कर रहे थे ऐसे ही प्रचार करते रहना, ऐसे ही प्रचार करते रहना, फिर आगे जैसे ठाकुर जी की इच्छा, हम तो हैं तुम्हारे पीछे, तुम जब ही हमको याद करोगे तभी हम मिल जाएंगे, तुमसे मिलेंगे, जाओ ऐसा कह करके उसको सांत्वना दे करके, ये जाओ तुम जाओ, हम अब जा रहे हैं, मानस सरोवर रहते हैं कैलाश पर्वत के ऊपर, एक मानस सरोवर है जहाँ कोई मनुष्य का आमागमन नहीं हो सकता है, वो एकमात्र तत्वदृष्टा ऋषि जो है वही एकमात्र सूक्ष्म शरीर में वहाँ जा सकते हैं, स्थूल शरीर को लेकर के वहाँ जाना संभव नहीं है। तो ऐसा कह करके गुरु अदृश्य हो गए, तो गुरुदेव खूब आशीर्वाद किए हैं, जैसे निर्देश करेंगे ऐसा ही तुम आगे साधन में तत्पर होकर आगे बढ़ने का प्रयत्न करना। तो गिरिवर बाबा से प्रार्थना करके उनके आशीर्वाद लेकर के चले आए हैं, आ करके आप ब्रह्म समाज में उल्टे उल्टा उनके स्थिति है, ओ इसमें हरिहर बाबा के पास गए हैं, तो गए गए नहीं है, हरिहर बाबा के पास गए हैं, काशी में बनारस में रहते हैं हरिहर सरस्वती बाबा सन्यासी, उनके पास जाके निवेदन किए हैं कि हमको भेजें, ऐसे मानस सरोवर में रहते हैं ब्रह्मानंद परमांश जी, आपके पास भेजे हैं हमको सन्यास प्राप्त करने के लिए, आपके चरण में भेजे हैं, कृपा करके हमको सन्यास मंत्र प्रदान कीजिए। तो समझ गए हैं तो ऐसे महापुरुष के कृपा पात्र हैं, और देख करके ही पहचान लिए हैं जो ये साधारण मनुष्य तो है नहीं, इनमें ऐसे दिव्य शक्ति इनके अंदर निहित है जो इनके द्वारा जगत का प्रभुत्व कल्याण साधन होगा, ऐसे चिंता करके फिर भी बोलते हैं तुमने जनऊ परित्याग कर दिया, तुमको जनऊ धारण करना पड़ेगा, तुम आचार्य वंशज हो, तुम्हारे द्वारा जगत कल्याण करना है, तो उनको तीन दिन ब्रह्मचर्य पालन करके जिस तरह से जनऊ धारण करते हैं उस तरह से दोबारा जनऊ संस्कार किए हैं, संस्कार करके उनको दीक्षा मंत्र प्रदान किए हैं, नाम दिए हैं अच्युतानंद सरस्वती,
अच्युतानंद सरस्वती ये नाम से कोई विजय कृष्ण गोस्वामी को ज्यादातर जानते ही नहीं, सब जानते हैं विजय कृष्ण गोस्वामी या गोसाई जी, बस गोसाई जी बोल के जानते, सभी जानते गोसाई जी गोसाई जी गोसाई जी। आचार्य वंशज होने का कारण उस नाम से ही प्रसिद्ध हैं। और विजय कृष्ण गोस्वामी जी असली में उनका संन्यास नाम है अच्युतानंद सरस्वती। फिर वहाँ से संन्यास लेकर के फिर रघुवर दास जी बाबा को प्रणाम दंडवत करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करके सीधा चले आए हैं कलकत्ता में। कलकत्ता में आ करके अब उनका अलग स्थिति, आप तो कुछ अनुभव किए हैं ना, अभी तो पहले जैसे ब्रह्म समाज के जो धर्म प्रचार करते थे वो तो शाब्दिक किताबी विद्या है, आप तो अनुभव की है, आप तो किताबी विद्या कैसे, आप जब कुछ अनुभव करेंगे तो आप कैसे किताबी विद्या किताबी शब्द कैसे प्रयोग करेंगे, तो आप अनुभव की बात करेंगे हैं? आप ब्रह्म धर्म की जो संकीर्णता वो मानने के लिए तैयार नहीं, क्यों देखे हैं सो सर्व ये सबके ऊपर है, ब्रह्म धर्म भी एक साधारण ये मनुष्य के रची हुई ये अनुभव तो किए नहीं है, प्रचार तो हम भी कर रहे हैं लेकिन इस प्रचार के द्वारा तो लोक के अंदर वो परिवर्तन होना संभव नहीं है। परिवर्तन के लिए चाहिए शक्ति संचार, गुरु शक्ति उनके अंदर अनुप्रवेश होनी चाहिए, तभी जा करके उसके अंदर व्यापक परिवर्तन होना संभव है। ऐसे शाब्दिक शब्द प्रयोग के द्वारा थोड़ी ही जगत का परिवर्तन होना संभव है, लेकिन अनुग्रह आदि सबको ही उनको आग्रह कर रहे हैं जो आप प्रचार करना जरूर, आप रहना, आप नहीं रहने से सब हमारे ब्रह्म धर्म प्रचार जो है फीका पड़ जाएगा। तो ठीक है प्रचार में जाते हैं लेकिन वहाँ जाके भक्ति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, और वहाँ ब्रह्म जो ब्रह्म उपासना है मैं ही ब्रह्म हूँ, वहाँ तो भक्ति का कोई स्थान है नहीं, तो भक्ति किसको करेंगे, भक्त तो भगवान को भक्ति करते हैं, वहाँ भगवान भी नहीं भक्त भी नहीं हुआ मैं ही हूँ, तो वो किसको भक्ति करेंगे, किससे प्रेम करेंगे, तो मैं ही हूँ ना, तो इसलिए वहाँ भक्ति सिद्ध नहीं होता है। अद्वैतवादी जो है ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म उपासक है अखंड निर्विशेष ब्रह्म उपासक जो है वहाँ भक्ति शब्द वो लोग कहते हैं, वास्तव में भक्ति सिद्ध नहीं होता है। भक्ति होने से दो वस्तु होता है, द्वैत होता है, एक भगवान एक भक्त, भक्त भगवान को भक्ति करते हैं। और भक्ति शब्द का माने क्या है, शब्द का तो माने है भज धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न हुआ है, भज धातु का अर्थ है सेवा, तो भक्ति का अर्थ है सेवा। अब सेवा का अगर तुम व्यवहार करोगे तो एक सेव्य एक सेवक दो होना चाहिए, नहीं तो सेवा शब्द ये ठीक निष्पन्न नहीं होता है, सेव्य भी नहीं सेवक भी नहीं, मैं वही हूं तो कौन किसका सेवा करेगा, है ना। तो सेवा शब्द जहां आता है तो वहां सेव्य रहता है, ये गुरु या भगवान या इष्ट, और यहाँ भक्त रहता है तो भक्त भगवान का सेवा करते हैं। गुरु हुआ सिद्ध नहीं होता है, क्यों, कौन गुरु कौन चेला, मैं हूं अकेला, वहां गुरु भी नहीं चेला भी नहीं मैं वही हूं, तो कौन गुरु बनेगा कौन चेला बनेगा, तो गुरु गुरुकरण भी वहां सिद्ध नहीं होता है, इसीलिए ब्रह्म धर्म में गुरुकरण पद्धति भी नहीं था। फिर भी उपदेष्टा थे, उपदेष्टा थे, उपदेष्टा प्रधान उपदेष्टा थे देवेंद्रनाथ, महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर रविंद्रनाथ टाइगर के पिता, महर्षि देवेंद्रनाथ टाइगर वो भी बहुत उच्च कोटि के थे, ऐसे नहीं, बहुत उच्च कोटि के थे। तो ऐसे स्थिति जब आ गई तो सोचे हैं वो ब्रह्म दीक्षा माने ब्रह्म विषय में उपदेश महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से ही प्राप्त किए हैं पहले स्थिति में, तो सोचे हैं हमारे गुरु ही तो है, हमको तो उपदेश किए हैं, चलो गुरु दर्शन के लिए जाना चाहिए, हमको ऐसे जीवन में परिवर्तन आ गया है, हमको वो दिव्य मार्ग प्राप्त करने का मौका मिल गया है, हमको ऐसे
महत्पुरुष की कृपा प्राप्त करने में हम समर्थ हुए हैं, उनके अहित की कृपा से चलो हमारे पूर्व गुरु जो हैं देवेंद्रनाथ ठाकुर उनको जाके दर्शन करके आ जाएं। संन्यास पोशाक संन्यास धारण किए हैं, गए हैं महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास। देवेंद्रनाथ ठाकुर उस समय बहुत ही वृद्धावस्था सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं। कौन? विजय, विजय, हाँ प्रभु हम आपके शिष्य हैं, बोल करके चरण स्पर्श किए हैं। तो देवेंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं, अरे विजय तुम्हारी ये क्या स्थिति है, हम तो देख रहे हैं तुमको एक अनमोल वस्तु मिल गया है, बहुत ही दुर्लभ एक अनमोल वस्तु मिल गया है, तुम तो ये अति सौभाग्यशाली है विजय, तुम हमको प्रणाम मत करो, हम तुम्हारे प्रणाम लेने लायक नहीं है, क्योंकि तुम जिस स्थिति में हो हमारे तो वो स्थिति है नहीं, तुम तो हमारे प्रणाम हो। नहीं 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 गुरुदेव आप ऐसे मत कहिए, हम तो आपके शिष्य हैं, आप तो पहले आपके चरण में ही हम आए हैं, ब्रह्म उपदेश आपसे ही हम प्राप्त किए हैं। तो बोलते हैं देखो हम गुरु कैसे हैं जानते हो, जैसे प्राइमरी स्कूल का टीचर, बच्चा लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है तो वो प्राइमरी स्कूल के टीचर गुरु होता है, वही बच्चा जब एमए पीएचडी पास करके आता है और प्राइमरी टीचर का जो विद्वत्ता है थोड़ा सा स्कूल फाइनल मैट्रिक इतना ही है, तो एमए पीएचडी पास करके आ करके वो प्राइमरी स्कूल के टीचर जो है उनको प्रणाम करते हैं, सर मैं एमए पीएचडी करके आया हूँ। तो ऐसा ही है, मैं तो प्राइमरी स्कूल के टीचर और तुम एमए पीएचडी करके आए हो, आ करके हमको प्रणाम कर रहे हो, ठीक है लेकिन विजय तुमको अनमोल वस्तु मिल गया है, बड़े जतन से बड़े प्रेम से उसको संरक्षण करना, उसको जहाँ तहाँ फेंकना नहीं, संरक्षण करना, तुम्हारा मंगल होगा, ऐसे कह करके विजय कृष्ण चले आए हैं घर। फिर हम लोग